कर्नाटक के सक्करे नगरा मधुर मंड्या के हमारे गन्ना किसानों को दशकों से एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो भी मुसीबत, गन्ना कम पैदा हो तो भी मुसीबत। इस वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। इस समस्या का कोई न कोई समाधान करना तो जरूरी था। किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली भाजपा सरकार ने एक रास्ता चुना, इथेनॉल का। हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा, इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी। पिछले वर्ष ही देश की चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। 13-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 17,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। ये पैसा गन्ना किसानों तक पहुंचा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी किसानों के लिए, विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। सुगर कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद हो, टैक्स में छूट हो, इससे गन्ना किसानों को लाभ होगा।